हेलो दोस्तों दोस्तों बहुत सारे लोग एनल फिसर या फिर फिसर की जो समस्या है उससे ग्रसित हैं, उससे परेशान हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एनल फिसर से परेशान हो रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, इसे लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैंने होम्योपैथी की दो बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताया है, जिनको लेने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी एनल फिसर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पिन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा ट्रीटमेंट में स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग लाल बटन दबा करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है उसको भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें और हमारा कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, आजकल के समय में एनल फिसर बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग इससे सफ़र करते हैं, पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें स्टूल पास करते समय दर्द, जलन और किसी किसी में ब्लड भी आ जाता है। इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर किसी किसी लोगों में स्टूल पास करने के काफ़ी देर बाद तक उन्हें दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करें अगर कारण की, तो फिसर होने का क्या कारण है। तो फिसर केवल उन्हीं लोगों में मिलता है जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है, या फिर उनको बहुत जल्दी जल्दी लूज मोशन या डायरिया होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको होम्योपैथी की तो बेस्ट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि आप एनल फिसर के लिए ले सकते हैं और जिनको लेने से आपकी एनल फिसर परमानेंटली ठीक हो जाएगा और आप इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड उन रोगियों को लेनी है जिनके फिसर में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनका जो दर्द है वो चुभन जैसा होता है या फिर कटिंग नेचर का होता है। स्टूल पास करने के बाद एनस में उनको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कट रहा है या चुभ रहा है, अगर आपका पेन इस नेचर का है। साथ ही साथ अगर आपके स्टूल में रेड ब्लड आता है या स्टूल रेड कलर का आता है, तो आप नाइट्रिक एसिड मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ नाइट्रिक एसिड मेडिसिन आपको किस पोटेंसी में लेनी है और इसकी क्या डोज लेनी है। तो दोस्तों, नाइट्रिक एसिड आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। ये एक ड्रॉप आएगी 30 पोटेंसी की, जिसकी 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार आपको लेनी होती है। दोस्तों, हमारी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है रेटेनिया। दोस्तों, रेटेनिया फिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, रेटेनिया उन लोगों को लेनी है जिनको कि स्टूल पास करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक पेन होता रहता है या जलन होती रहती है। दोस्तों, रेटेनिया के मरीजों को भी चुभन जैसा पेन होता है, कटिंग जैसा पेन होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके एनस में कुछ चीज़ चुभ रही हैं, चाकू या कुछ लकड़ियां या कांच के टुकड़े जैसे चुभ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रेटेनिया का जो मरीज होता है उसका स्टूल इजीली पास नहीं होता है, उसको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, उसको काफ़ी प्रेशर देना होता है स्टूल पास करने के लिए। दोस्तों, अगर ये आपको लक्षण है तो आप रेटेनिया मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, रेटेनिया मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। रेटेनिया 30 मेडिसिन की 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी होती है। दोस्तों, अगर आपको एनल फिसर है और आप ये दोनों होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एनल फिसर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और ये थी हमारी मेडिसिन। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे और वो कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।